लेकर पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई है। यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया लॉकडाउन है और हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन है। अभी हम कई गांव में गए और वहां के किसानों से मिले कि क्या किसान जो अभी फसलों को काटने का वक्त है, क्या किसान अपने फसलों को काट पा रहे हैं, क्या वो अपने जो अनाज है उसको किसी तरीके से बाजार तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे, उन्हें किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो किसान हैं। अभी आप ये बताइए कि जो लॉकडाउन हुआ है इसमें आप लोग किसान हैं, क्या समस्या आ रही है आप लोग? समस्या है कि भाई कहीं आना नहीं है। तब हम लोग का खेती बाड़ी नहीं जाना है, तब हम लोग का खेती बाड़ी जो है वो भी चौपट हो रही है। अब तो भाई इस पर तो अब सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि किसान को क्या करना चाहिए। तो क्या आप लोग खेत तक नहीं पहुंच पा रहे? नहीं जा रहे हैं कि पुलिस है, क्योंकि उधर से भी पुलिस आती है, वो भी बधार में कहती है कि तुम लोग घरे चले जाओ, ये इधर नहीं रहना है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना। तो क्या लगता है कि अगर अभी आप अपने फसल को नहीं काट पाएंगे तो वो बचेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो खत्म हो गया है अभी। और अभी और जो है लॉकडाउन, अगर इसका 14 अप्रैल तक जो डेट दी गई है, अगर इसको और आगे बढ़ा दिया गया तो सब खेत में ही रह जाएगा। अच्छा, और भी कई लोग हैं। चाचा आप बताइएगा क्या नुकसान है, अभी आप बताइए चाचा क्या नुकसान है अभी जो खेत से फसल आप लोग नहीं काट पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो खेत में फसल है वो वही रह जाएगा? सब पका हुआ ना है, सब जनता ले लेते हैं, कटता क्षेत्रों से सब पका हुआ है, गेहूँ झड़ रहा है। सब इधर देखिए खेत में काटा हुआ है, कुछ है भी नहीं, फसल से चौपट है, कुछ है भी नहीं। आप बताइए जो भी फसल काटने का वक्त है, क्या लगता है कि आप उसको काट पाएंगे जो भी लॉकडाउन? काट पाएंगे, हम लोग का समय मिलेगा तब ना, समय नहीं मिलता। पका हुआ है, अभी जिस तरह का हवा चल रहा है, ये 2-4 दिन चल गया ना तो खेत ही में रह जाएगा, फिर लाने का हम लोग का मिल भी नहीं करेगा। तो अगर लॉकडाउन है, लगभग हर जगह पर आपको फसल पहुंचाना है, काट के लाना है, अनाज पहुंचाना रहता है, वो काट के लाना है, उसको मशीन में अति काटना भी है, भूसा भी निकालना है, जानवरों मर रहा है, ऐसे ही खाने पीने का तो मिल नहीं रहा है। लेकिन सरकार तो आप ही के लिए, बहुत ज्यादा सरकार तो आप ही के लिए लॉकडाउन की है, आप लोग एक जगह ना हो, खेत में ना जाए, इस तरह से अपनी हिफाजत ऐसा कर देगा सरकार तो हम लोग कैसे चलेंगे? किसान बताइए, समय नहीं मिलेगा उसको निकालने का, युवा अनाज तैयार है और लाने का हमको टाइम नहीं मिल रहा है। कहीं फिर बारिश हो गई, कहीं फिर मौसम बदल गया, तो फिर समझिए कि वो जानवरों का भी चला जाएगा खाना और आदमियों का भी खाना। क्या लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन का वक्त और बढ़ा तो अनाज आप लोग के पास इतना है? नहीं, हम लोग के पास, हम लोग के पास अनाज कहाँ से है? हम लोग के पास नहीं है, हम लोग तो किसी तरह खिजत खाजत चल रहे हैं। जो भी साग सब्जी तो मिलना मुश्किल है, कभी माड़ भात खा लेते हैं, कभी दाल तनी मनी रहता है घर का तो बना लेते हैं, नहीं तो समझिए क्यों ऐसे ही खिचत तिरत पार कर रहे हैं। कहीं बाजार में टाइम हो जाने के बाद रहने देता है नहीं, जल्दी जाइए जल्दी, कुछ जानवरों दो चार गो है तो खिलाने पिलाने में फंसे रहते हैं, और जब तक के टाइम हो जाता बाजार भी नहीं जा सकते। तो यानी कि यूं समझा जा सकता है कि लॉकडाउन से किसानों को भी बहुत ज्यादा समस्या है, उनकी जो फसल खेत में है वो खेत ही में रह गई है, अभी वो उसको काट भी नहीं पा रहे क्योंकि जब ये खेत में जाते हैं तो प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन खैर ये तो जरूरी भी है क्योंकि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे तो हमारी हिफाजत नहीं हो पाएगी। मुशर्रफ पालवी, जहानाबाद।